हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल फूड इन माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल, आसान और इजी तरीके से ब्रेड रोल की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 100 ग्राम बॉयल चिकन जो बोनलेस थे, इसे मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। और बॉयल करके ठंडा करने के बाद मैंने इसे मिक्सर में 30 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लिया था। तो ये इस तरह से हो गए। और लिया है एक बॉइल पोटैटो, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का टेस्ट आप अपने हिसाब से रखें। और एक शिमला मिर्ची और एक छोटा सा ऑनियन जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और कैप्सिकम को भी मैंने चॉप कर लिया है। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। आपको जो भी वेजिटेबल्स चाहिए आप वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हमने एक फ्राई पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस 2 से 3 टेबल स्पून ही डालना है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑनियन जिसे मैंने चॉप करके रखा था। इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमें ब्राउन नहीं करना है इसे, बस थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए बस। अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखा था। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम। एक से दो मिनट इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। साथ ही हम इसमें पोटैटो भी ऐड कर देंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मैश करना है पोटैटो को। इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इस गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून मायोनीज। और कटी हुई हरे धनिया जो मैंने कट करके रखा था, चॉप किया था, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें ये काम गैस ऑफ करने के बाद ही करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पेरी पेरी सॉस 3 से 4 टेबल स्पून। और हम इसमें ऐड कर देते हैं, हम चीज को क्रश करके डालेंगे इस तरह से। पेरी पेरी सॉस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दें। आपको जितना भी चीज़ चाहिए, अगर ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए तो ज़्यादा चीज़ यूज़ करें, और कम चाहिए तो कम यूज़ करें। इस तरह से हम सारी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम बना रहे हैं ब्रेड रोल जो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनने वाले हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख देते हैं साइड में,
बना रहे हैं ब्रेड रोल, हम ब्रेड को इस तरह से साइड वाले पोर्शन को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ से इसे इस तरह से निकाल के इसे अच्छी तरह से निकालना रहता है। अगर हम इसे अच्छी तरह से निकालेंगे नहीं निकालेंगे और ये ब्राउनिश पार्ट रह जाएंगे ना, तो फिर ये अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होंगे। ये हमको भी निकाल देना है। इस तरह से मैं सारे ब्रेड बना कर रख लूँगी। हमने पानी को बॉईल कर लिया, अब हम इसमें एक ब्रेड डालेंगे। ऐसे इस तरह से प्रेस करेंगे, हम इसे 15 सेकंड के लिए डालेंगे, उसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद एक कॉटन के कपड़े पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा फिलअप लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इस तरह ज़्यादा गर्म पानी में डालते हैं तो हमारा ये इस तरह से लेयर आता है। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। गर्म हो चुका है, अब हम ब्रेड रोल इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। हम ये स्किन देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा चिकनी लग रही है। हम अगर ज़्यादा गर्म पानी में इसे डालेंगे तो ये बहुत ही चिकनी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इसकी वजह से इसमें ज़्यादा पानी भी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ब्रेड है, ब्रेड तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये पानी को, ये ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप इस तरह से बनाकर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। एक बार बनाएंगे नहीं अच्छा बनेगा, दूसरी बार भी ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम तो अच्छा बन ही जाएगा। इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमें बहुत ही हल्के हाथों से इसे चलाना है। ब्रेड रोल ऑयल में ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद कंटिन्यूसली इसे चलाना है। अगर हम इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे तो ये ऊपर से वाइट रह जाएंगे और नीचे की तरफ से जो ऑयल में होगा वो ब्राउन कलर हो जाएंगे। इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना होता है ताकि ये बहुत ही अच्छा बने और हर तरफ से कलर सेम हो। अब ये रेडी हो चुका है, हम इसे निकाल के टिश्यू पेपर पे रख देंगे और हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हमारा ब्रेड रोल खाने के लिए तैयार हो चुका है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।